अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही भगवान एक से अनेक होकर विभिन्न रूपों में लीला कर रहे हैं। इसी भाव से आप सभी के सीचरणों में मेरा प्रणाम। प्यारे साधकों, निकुंज लीला में भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मधुर भाव आते हैं। अगर कभी श्री कृष्ण के मन में यह आया कि आज गोपियां गाली दें तब कम बने, इस सुख की इच्छा में दो भाव होते हैं, वाम भाव और दक्षिण भाव। कभी कभी वाम भाव से बड़ी प्रसन्नता होती है, तब वहाँ मान होता है। राधा रानी जी मान करके बैठ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण मनोहार करते हैं तो मानती नहीं, और गोपांगनाओं को भगवान की स्तुति से मतलब नहीं है और भगवान के तिरस्कार से भी मतलब नहीं है, उनको मतलब है भगवान के सुख से। अगर कहीं वे गाली सुनने से सुखी हों तो वे गाली सुना देंगी, इनको कोई आपत्ति नहीं है। यदि कहीं इनको डांटने फटकारने से सुख मिले तो वे उन्हें डांट देंगी, यह बड़ा ऊंचा भाव है। हमारे साधना के व्यवहार में उस तरह की गाली नहीं, मर्यादित कट व्यवहार यदि वहाँ पर आवश्यक है, यह समझते हुए कि इस प्रकार का खेल आवश्यक है, तो उसमें द्रोह बुद्धि नहीं, क्रोध बुद्धि नहीं और किसी प्रकार का बदला लेने की बुद्धि नहीं, कोई हानि पहुँचाने की बुद्धि नहीं। इस प्रकार दूषित बुद्धियों से रहित केवल भगवत भाव से उसके साथ वार्तालाप हमने किया, चाहे वह वार्तालाप कड़ा ही हो, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन जहाँ मन का भाव शुद्ध रहेगा, वहाँ जितने दोष हैं जो हमारे जीवन में विष हैं, जो हमें बार बार मारते हैं और यमलोक को ले जाते हैं, वे मिट जाएंगे। जब हमारी बुद्धि और मन यह निश्चय कर लेगा कि अमुक भगवान हैं और हम इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तब व्यवहार में सद्भाव आ जाएगा। सद्भावे साधुभावे च। सद्भाव का अर्थ है कि ये जितने मन के विकार हैं वे क्रिया के समय न रहें और इन विकारों के स्थान पर भगवत प्रीति का भाव रहे, चाहे वह क्रिया कैसी भी हो, इसमें आपत्ति नहीं। क्रिया तो होगी स्वांग के अनुसार ही। पितामह भीष्म को अर्जुन सिर में बाण मारते हैं, उनका सिर फूट जाता है, लेकिन क्या भीष्म नाराज होते हैं और अर्जुन द्वेष से मारते हैं क्या? भीष्म इस बात को चाहते हैं कि मेरे सिर पर बाणों का तकिया लग जाए। भीष्म की अनुकूलता इसमें है और भीष्म की अनुकूलता को सिद्ध करने के लिए अर्जुन भीष्म के मस्तक को तीन तीक्ष्ण बाणों से फोड़ डालते हैं। मस्तक को तीक्ष्ण बाणों से फोड़ डालने की क्रिया प्रीति उत्पन्न करने वाली होती है, यदि वह अनुकूल हो। और प्रतिकूलता में किसी व्यक्ति के साथ आप मीठी वाणी बोलिए और मन में आपके छल कपट भरा है और वह इस बात को जानता है, तो आपकी मीठी वाणी उसे जहरीली लगेगी। वह कहेगा कितना मीठा बोल रहा है और कितना बदमाश है, यह मीठा बोल करके मेरा नाश करना चाह रहा है। इसलिए बाहरी क्रिया में उतनी बात नहीं है। बाहरी क्रिया में जहां आवश्यक हो वहां वैसा करें। डॉक्टर लोग ऑपरेशन में अंगों को काट डालते हैं, 6-7 इंच गहरा घाव कर देते हैं, तब क्या कोई भी रोगी सफल ऑपरेशन होने पर डॉक्टर को गाली देता है अथवा बुरा मानता है? वह अंग को काट कर फेंक दिया तब वह सोचता है मेरा यह अंग बेकार हो गया था, यदि वह नहीं कटता तो सारा अंग बेकार हो जाता, इसलिए यह इतना पैर काट दिया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया और अंग तो बच गया, यह अनुकूलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे भाव में दोष न हो और भगवत प्रीति का भाव हो, तो क्रिया यदि कठोर भी हो तो उस कठोर क्रिया में मन कठोर नहीं होगा। उस कठोर क्रिया में मन में सद्भाव रहेगा, मन में रहेगा प्रीति का भाव, मन में रहेगा सुख पहुंचाने और हित करने का भाव, इसलिए क्रिया में आपत्ति नहीं आएगी। परंतु भगवत भाव से क्रिया करने पर क्रिया का दोष निकल जाएगा। क्रिया में दोष क्या है? उस क्रिया में दोष नहीं है, दोष है मन के भाव में। बुरे भाव से की गई कोई भी क्रिया बहुत बुरी होती है। माँ मन में स्नेह भरकर और क्रोध रहित होकर दूसरी ओर मुँह करके हंसे और बच्चे की तरफ आंख लाल करके उसे डांट दे और चपत भी लगा दे, तो माँ के इस भाव में कहीं बुराई है क्या? नहीं है।
वह तो स्नेह से भरी है। इसी प्रकार से जो कुछ भी हमारे द्वारा दोष बनते, क्रियाओं में दोष, ये दोष बनते हैं तभी जब हमारे मन में दोष होता है। मन में यदि सद्भाव है तो सद्भाव से की गई क्रिया में यदि कोई भूल भी हो जाती है तो वह माफ होती है, क्योंकि वहाँ सद्भाव है। सद्भाव से की गई क्रिया में कोई दोष आएगा नहीं, उसका फल बुरा नहीं हो सकता। यदि कहीं कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि नियत में बुराई नहीं थी। नियत की बुराई ही बुराई होती है। इसलिए तीन बातें करें। एक, बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करें कि सब भगवान हैं। दूसरा, मन के द्वारा भगवान देखने का भाव करें। और तीसरा, अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान की पूजा है, इस भाव से क्रिया को संपन्न करें। तब क्या होगा कि सारा जीवन पूजामय बन जाएगा, दिन भर के समस्त कार्य पूजा बन जाएंगे और भगवान की प्रसन्नता पद पद में और पल पल में प्राप्त होगी, और अपने आप बिना चेष्टा के मन के सारे दोष निकल जाएंगे। प्यारे भक्तों, जब हम कोई कर्म भगवान के लिए करेंगे तो स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल करने की चेष्टा करेंगे। जिसके लिए हम कर्म करते हैं यदि उसके अनुकूल नहीं होंगे तो हमारे कर्म बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। वह नाराज होकर कर्म को स्वीकार नहीं करेगा, अथवा हम ही कर्म करना छोड़ देंगे। हमारे घर में यदि एक दिन के लिए कोई भी अतिथि आता है और हम अगर समझदार हैं तो अतिथि की अनुकूलता देखते हैं, उसकी अनुकूलता के अनुसार बर्ताव करते हैं, जो कि उसकी प्रीति का कारण बनता है। इसलिए जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करेंगे, तो हमारा प्रत्येक कार्य उनके अनुकूल होगा। और उनके अनुकूल होने का अर्थ है कार्य करने में जो षड विकार होते हैं, दोष होते हैं, ये निकल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये छह विकार हैं। इन्हीं के और बहुत से रूप हैं। जब ये आते हैं तो इनका पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाता है, एक के बाद एक आते जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इन विकारों के परिवार का विशद वर्णन है। जहाँ व्यक्ति अपना सिक्का जमाता है वहाँ अपने परिवार को बुलाता ही है, यह स्वाभाविक बात है। फिर इनका परिवार जहाँ छा गया वहाँ दैवीय संपत्ति छिप जाती है, भाग जाती है, वह डर के कारण वहाँ नहीं रहती। इसलिए यदि ऐसा करेंगे तो यह बुराई का परिवार वहाँ नहीं आएगा। यह करके देख लीजिए, भगवत भाव से एक दिन क्रिया करके देखिए, आपके मन में दोष नहीं आएंगे। ये दोष तभी आते हैं जब हम इनको रहने देते हैं। प्यारे भक्तों, अर्जुन ने सोचा कि भगवान ने कह दिया है कि कामना से ही सारे पाप होते हैं और कामना रहती है मन में, तब क्या करें। भगवान ने देखा कि इससे अर्जुन डर न जाए, तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम इंद्रियों के गुलाम नहीं हो। गीता जी 3:42-43 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि परान्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्यात्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम। भगवान बोले, इस स्थूल शरीर से, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, बलवान हैं। इनसे मन श्रेष्ठ है, बलवान है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से श्रेष्ठ, उससे परे आत्मा है, और वह आत्मा तुम हो। इसलिए अपने आप को बलवान समझकर इस काम रूपी बैरी को मार डालो। तुम महाबाह हो, बड़े बलवान हो। कामरूपी बैरी को मार डालना आत्मा के अधिकार में है। आत्मा का बल काम के बल से बहुत बड़ा है, परंतु यदि इस आत्मा ने अपने को निर्बल मान करके परास्त हो गया बुराइयों से, तब ठीक नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में आया है कि इन बुराइयों से कभी हार न मानो। हार माननी कि ये बुराइयां सवार हो जाती हैं। इन बुराइयों से लड़ता रहे तो विजयी अवश्य होगा, क्योंकि आत्मा का बल असीम है। चोरों में कितना बल होता है। अपने यहाँ कहा जाता है कि चोरों के पैर नहीं होते। चोर हिम्मत बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ शोर सुना वहाँ भागे। इसी प्रकार इन दोषों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में बल नहीं होता,
इनमें तभी तक बल होता है जब तक इनके बल से आदमी अपने को परास्त मानकर के हारा हुआ मानकर इनके वश में रहता है। यदि आत्मा की ओर देखें और भगवान के बल को अपने साथ रखें और अपनी क्रिया को भगवान को अर्पण करने का भाव रखें तो फिर भगवान के भोग को कोई छीन नहीं सकता है। जब तक हम अपने लिए भोग रखते हैं तब तक कोई छीन सकता है, परंतु जब भोग भगवान का हो गया तो भगवान की चीज हो गई, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। तुलसीदास जी महाराज एक दिन बैठे थे तो कोई मन में पूर्व स्मृति की एक तरंग सी आ गई। वे भगवान से बोले कि प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, यह आपका घर है और आपके घर में चोर आवे। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। इन चोरों से आपका घर लुट जाएगा, आप सावधान हो जाएं। इसमें भाव यह है कि भगवान स्वयं रक्षा करते हैं अपनी चीज की। अपनी प्रत्येक क्रिया को यदि हम भगवान को सौंप दें तो हमारे क्रिया की पवित्रता की रक्षा भगवान करेंगे, हमारी क्रिया में अपवित्रता नहीं आने पाएगी, उसमें काम क्रोध लोभ और मोह आदि नहीं आने पाएंगे, क्योंकि यह भगवान का भोग है, यह भगवान की सामग्री है, उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता है। प्रिय साधकों, हमारी प्रत्येक क्रिया यदि भगवान के लिए हो तो प्रत्येक क्रिया अपने आप विशुद्ध हो जाएगी। इसे करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मन में भगवत भाव करके भगवत पूजा के भाव से जिस क्रिया को करेंगे उस क्रिया में काम क्रोध लोभ नहीं आएंगे, क्योंकि भगवत भाव साथ है, भगवत भाव भगवान की अनुकूलता चाहता है। इसलिए तीन बातें करने की हैं और इसे हम सब कर सकते हैं और प्रत्येक कार्य में कर सकते हैं। कार्य में कोई आपत्ति नहीं है, अध्यापक अपना कार्य करे, डॉक्टर अपना कार्य करे, न्यायाधीश अपना कार्य करे, व्यापारी अपना कार्य करे, नौकर अपना कार्य करे, भंगी अपना कार्य करें, माताएं अपना कार्य करें, सब कार्य करें, परंतु करें भगवान के लिए। और यदि कहीं उनमें मन लग जाए, उन्हें देखते हुए करें तो बहुत सुंदर हो। भगवान के लिए रोते हुए करें और उनका गुण गाते हुए करें तब तो कहना ही क्या। मथुरा के व्रज देवियों की महिमा गाते हुए श्रीमद् भागवत में आया है, ये व्रज देवियां धन्य हैं। सारा कार्य करते हुए, दोहन करते हुए, बच्चों को खिलाते हुए, धान कूटते हुए, घर लीपते हुए, चौका लगाते हुए, लोरी गाते हुए, रसोई बनाते हुए, गाय धोते हुए भी आँखों से धीरे धीरे मीठे आंसू बहते रहते हैं। दुख के आंसू नहीं, दुख के आंसू मीठे नहीं होते, स्मरण रखिएगा, उसमें सुख नहीं मिलता है। प्रेम के जो आंसू हैं उनमें बहुत सुख मिलता है, उनके आंसू बहते रहते हैं, वाणी गदगद रहती है और धीरे धीरे श्री कृष्ण का गुण गाया करती हैं, सामने देखती हैं और सारा कार्य करती रहती हैं, वे धन्य हैं। इस प्रकार जहाँ वृत्ति हो जाए वहाँ पाप ताप कहाँ रहेंगे, वहाँ से पाप ताप दूर भागते हैं, वहाँ न दुख आता है न वहाँ पाप आता है, वहाँ पर दिन रात भगवान खेलते रहते हैं, मृत्यु में भी और जीवन में भी। संसार की किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। गीता जी 6:22 में आता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते गुणाप तो खेन न विचाल्यते। महान से महान, भारी से भारी दुख भी यदि आ जाए तो वह विचलित नहीं होता है और वह उससे ऊंचा कोई लाभ नहीं मानता। वैसी स्थिति होती है, उसकी साधना ऐसी होती है कि भगवत भाव करके भगवत प्रीत्यर्थ हम अपने कार्य को करें। कार्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, कार्यों में भाव बदल दिया जाए तो कार्य अपने आप बदल जाएगा। यशोदा मैया और अन्य गोपियों का पहला काम उठकर के हाथ धोकर गाय धोना था। गाय धोने जब गोपी जाती हैं तो सबसे पहले अपने मन में सोचती हैं कि हाथ साफ रहें, जिससे उसमें कोई चीज़ कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे दूध खराब हो जाए, क्योंकि इसे कन्हैया को पिलाना है। सबसे पहले यही बात आती है कि कन्हैया के लिए उसे जमाना, कन्हैया के लिए मंथन करना, कन्हैया के लिए मक्खन निकालना और कन्हैया के लिए उसे रखना।
कन्हैया आएगा और इसे खाएगा। सारा कार्य कन्हैया के लिए। रात को सोती हैं तो कन्हैया के लिए, जागती हैं तो कन्हैया के लिए, सिवाय कन्हैया के और कोई बात ही नहीं। जब ऐसा जीवन हो जाए कि सारा कार्य भगवान के लिए होवे तो आनंद ही आनंद हो। हम लोगों को इस प्रकार की साधना करनी है, चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है। उससे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन भाव बदल देने से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हम ऐसे ही रहेंगे, शरीर रहेगा, परंतु जो बड़ी भारी चीज है जीवन में, जो शत्रु अंदर बैठे हैं, ये सब भाग जाएंगे और पवित्रता आ जाएगी। जितना भी निरानंद है, दुख है, संताप है, वह सारा का सारा इन शत्रुओं के कारण ही है। न गरीबी से है, न निरीहता से है, न बीमारी से है और न मृत्यु से है। ये जो विकार हैं, इन्हीं विकारों के कारण से सारा दुख है। यदि ये विकार न हो तो अवस्था से, परिस्थिति से कोई दुख नहीं है। अवस्था तो शरीर की होती है और अपमान तथा भाव नाम का होता है। दो चीजें हैं, यह नाम और रूप। जहाँ नाम रूप में अहंता है, जहाँ नाम रूप के साथ कामना वासना है, वहाँ सारा गड़बड़ है। नाम रूप या तो रहे नहीं, अथवा दोनों भगवान को अर्पित हो जाएं। इसके बाद नाम रूप का कुछ भी होता रहे, आप देख लीजिए, जितना भी कष्ट होता है वह शरीर को लेकर होता है, और जो अपमान होता है यह सारा का सारा मन का होता है। अगर मन में गाली न माने तो अपमान नहीं होगा। अपमान नाम का होता है और कष्ट शरीर को होता है। बीमार होता है शरीर और मरता भी शरीर ही है। ना आत्मा मरता है, ना आत्मा बीमार होता है, और अपमान होता है नाम का। जितना अपमान होगा और जितनी निंदा होगी, वह सब कुछ नाम का होगा, अमुक की होगी, आत्मा की नहीं होगी। प्रसादकों, जब भगवान को समर्पित हो गया हमारा नाम और रूप, तब उसके बाद यह नाम और रूप फिर हमारा नहीं रहेगा, कुछ भी हुआ करे। यह बात भक्तों की भाषा में है कि लोकलाज, कुलकान, वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, इन सब का परित्याग करके भगवान को भजे। इसका अर्थ क्या है? यह परित्याग अपने आप हो जाएगा। जब तक हम उसके नहीं हो जाते, तब तक ही ये चोर पीछे लगे रहते हैं। भगवान ने गीता जी 3:34 में कहा है, परिपंथिनो, ये राग द्वेष परिपंथी हैं, लुटेरे हैं, बटमार हैं, ये लूट लेंगे, ये स्तेन हैं, चोर हैं। ये चोर कब तक रहते हैं? जब तक तुम भगवान के न बन जाओ। ये घर जेल खाना कब तक रहेगा? जब तक तुम भगवान के नहीं बन जाते। भगवान के बन जाएंगे तो फिर यह भगवान का मंदिर बन जाएगा, और यह मोह की बेड़ी कब तक रहेगी? जब तक तुम उनके नहीं हो जाओगे। उनके हुए तो ये बेड़ियाँ टूटी, घर मंदिर बन गया और राग आदि सारे भाग गए। अगर राग आदि रहेंगे तो भगवान में लगकर धन्य हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और पवित्र कर देंगे। इसलिए हमें भगवान का बनना है। भगवान का बनने का अर्थ है कि भगवान को सर्वत्र देख करके भगवान की पूजा के लिए अपने प्रत्येक कार्य को घर बैठे करना है। जो अभी कर रहे हैं वह करते रहें। जहां भगवत भाव आया कि दोष अपने आप चला जाएगा, जैसे प्रकाश के आने से अंधकार अपने आप चला जाता है। कोई बोले कि प्रकाश करने के लिए हम बल्ब जला देंगे, लेकिन अंधेरे को हटाने के लिए क्या करेंगे? जब प्रकाश हो गया तो अंधेरा भाग गया। अंधेरे के मिट जाने का नाम ही तो प्रकाश है, अंधेरा रहेगा कहाँ? जब तुमने प्रकाश कर दिया तो अंधेरा भाग गया। अंधेरे के मिट जाने का नाम ही तो प्रकाश है। यदि अंधेरा रहा तो प्रकाश हुआ कहाँ? और प्रकाश हुआ तो अंधेरा कहाँ रहा? भगवान जब मन में आ गए, भगवान जब भाव और बुद्धि में आ गए, भगवान जब आ गए क्रिया में, तो पाप ताप का जो तम अंधकार है यह रहेगा नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार से, चाहे भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देख करके उनमें मन अर्पण कर दो, चाहे भगवान के ऐश्वर्य को देख कर कर दो, अथवा किसी भी भावना से अपना मन और बुद्धि हम भगवान को सौंप दें और हमारी क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ होने लगे, तो हमारा जीवन साधनामय हो जाए। फिर वह जीवन अंतिम जीवन होगा। गीता जी 7:19 में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मामम प्रपद्यते, वासुदेव है सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है।
भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में वह अंतिम जन्म होता है जब ज्ञानी भक्त मुझे इस प्रकार भजता है। किस प्रकार से? कि सारा जगत वासुदेवमय है, सब वासुदेव हैं। इस प्रकार से भजन करने वाला सुदुर्लभ महात्मा भक्त होता है, वह उसका अंत का जन्म होगा, फिर पुनर्जन्म होगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तब हम या तो भगवत धाम में उनके पार्षद होकर आनंद करेंगे, और यदि पहले से मिल जाने की इच्छा है तो सायुज्य मुक्ति हो जाएगी, दोनों तरफ से कार्य बन जाएगा। इस प्रकार कार्य करने का अवसर सबको प्राप्त है, यह सबके लिए है, कोई छोटा बड़ा, जात इत्यादि की इसमें कोई बात नहीं है। छोटी जात, बड़ी जात, ब्राह्मण, शूद्र, विद्वान, अविद्वान, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो। पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोई। इसलिए सबका अधिकार है, सबके हाथ में अभी समय है, सभी कर सकते हैं, सब समझते हैं, बस अपने को करना है। करने में और कुछ करना नहीं है, केवल भाव बदलना है, और भाव बदलने में देर नहीं लगती है। भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया जाए, संबंध ज्यों जोड़ेंगे जुड़ जाएगा, इसमें देर नहीं लगती है। संबंध तो जुड़ा है ही, केवल मान लेना है, तब मृत्यु आने पर भी भय नहीं होगा। कबीर दास जी कहते हैं, आई गवनवा की साड़ी। वे कहते हैं कि गवने की साड़ी आ गई है। गवना अर्थात दुरागमन संस्कार की साड़ी आती है ससुराल से। लड़कियां कहती हैं, अभी उम्र मुरी बाली, आई गवनवा की साड़ी। कबीरदास जी मृत्यु के समय का वर्णन करते हैं कि पालकी आई है, उसे चार आदमी ले जाते हैं, और प्रियतम स्वयं आए हैं मृत्यु के रूप में और मुझे ले जा रहे हैं। जब यह भाव रहेगा तो मृत्यु में भी वे दिखेंगे और जन्म में भी वे दिखेंगे, सब जगह आनंद ही आनंद दिखेगा। मौत में भी मुकुलावा अर्थात गौना दिखेगा जब भगवान के हो जाएंगे। यह कबीर जी के वाक्य हैं और बिल्कुल सत्य बात है। मृत्यु की विभीषिका कब तक है? जब तक यह शरीर हम हैं। आत्मा पर जब दृष्टि गई तो मौत मर गई। मौत का डर तभी तक है जब तक हम यह मानते हैं कि यह हम हैं, यह निश्चेष्ट शरीर हम हैं। तब तो डरो मौत से, शरीर तो जाएगा ही और मौत आएगी ही, और यदि शरीर के अंदर ध्यान गया तथा आत्मा में स्थिर हो गए तो मौत मर गई। सीधी बात है कि सबकी मौत मरी हुई है और सब मरते हैं, यही तो आश्चर्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि मौत है नहीं और सभी मरते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आत्मा कभी मरती ही नहीं, आत्मा यदि मर जाए तो फिर किसका जन्म होगा? आत्मा ही रहता है और इसीलिए जन्म भी होता है। प्यारे साधकों, यह सीधी बात है, इसे सब कर सकते हैं, फिर भगवान के साथ मौज करो। एक बात और, भगवान सब बनने को तैयार हैं, बेटा बनने को तैयार, नौकर बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, भाई बनने को तैयार, गुरु बनने को तैयार, सब कुछ बनने को वे तैयार हैं, दास भी बनने को तैयार बैठे हैं। आप जो चाहें बना लें, वे कहते हैं सिर्फ मुझसे संबंध जोड़ लो, मुझे अपना बना लो, अपने आप को मेरा रूप बना लो, हमारे साथ जुड़ जाओ, जैसे तुम जुड़ोगे वैसे हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो तुम मानोगे वही हम मान लेंगे, यह हमारे हाथ की बात है, हम वैसा बन जाएं तो सब लोग निहाल हो जाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे साधकों को भी यथा योग्य लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय मंदिर में प्रभु का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।